ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जिसने मतलब कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, वो चाहता है कि कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सके। किसी एक चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा तो उसको फॉलो करो, बस यही मुझे लगता है एक एडवाइस के नाम पे। मतलब क्या होता है ना, मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सभी लोग को यहाँ कोई ना कोई लड़का लड़की पसंद आने ही लग गया होगा अब तक तो लाइफ में। बोलोगे नहीं क्योंकि पापा लोग शोज देख रहे हैं। पापा मेरे, वेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हम सफ़र कुछ भी होता है साथ में, तो क्या आप मेरे से कभी पूछते हो कि सर उसकी तरफ अपना ध्यान कैसे लगाऊं? कभी नहीं पूछते, कभी नहीं। ये पूछते हो सर फोन पे 6 घंटे बात हो रही है, इसको 2 घंटे कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें खुद को? क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर मैडली इन लव, यू आर डीपली इन लव। आई डोंट से डोंट फॉल इन लव, फॉल इन लव, बट फॉल इन लव विथ समथिंग दैट कैन मोटिवेट यू। इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय, बट इट कैन बी समथिंग योर गोल ऑल्सो। एक और बड़ा अच्छा है, बढ़िया है इस पर तो बात है, जैसे बहुत ही बढ़िया है इस पर तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, भगवान ना करे हो, भगवान बहुत दिक्कत होती है अगर किसी की है या होता है, तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चल रहा तो मेरा क्या होगा? नहीं, पर करियर में सब पूछते हैं। मेरा तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़तोड़, वो चाहिए तो चाहिए, सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत ज़बरदस्त। फिर उससे लगती है सीने में आग और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे।